Hello friends, this is Roshani. I am from Sri Vaishnav Institute of Forensic Science. My topic for presentation is logic bomb and paper. First of all, what is malware code? Malware code is a malicious code. It is a software that is formed by किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्राम को इंटेंशनली इफेक्ट करने के लिए जो हमारे सिस्टम में अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. जो मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है. ये हमारे सिस्टम के डाटा को चेंज कर सकता है, उसके प्रोग्राम को चेंज कर सकता है और अदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को गैन कर देता है. नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ मैलिशियस कोड? देयर आर सिक्स टाइप्स, मेनली नाइन टाइप्स ऑफ मैलिशियस कोड. फॉर एग्जांपल वायरस, रैबिट, लॉजिक बम, फ्रोजन होल्स. व्हाट इज लॉजिक बम? लॉजिक बम इज अ मैलिशियस कोड विच इज ऑल्सो नॉन एज स्लैक कोड. लॉजिक बम एक मैलिशियस कोड होता है जिनको स्लैक कोड भी कहा जाता है. जिनको इंटेंशनली इंसर्ट किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर में परफॉर्म और एग्जीक्यूट करने के लिए कोई मैलिशियस टास्क जो कि ट्रिगर्ड होता है एक स्पेसिफिक इवेंट के साथ. फॉर एग्जाम्पल किसी क्लियरिंग हार्ड डिस्क और डिलीटिंग स्पेसिफिक डाटा विच इज ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट. फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड डेट. लॉजिक बम इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैक बम. इसको स्लैक बम भी कहा जाता है क्योंकि जब ये हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट होते हैं उसके बाद जो हमारा सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें कोई डाटा रिमेन नहीं रहता है. ये वायरस नहीं है बट बिहेव करता है सिमिलर मैनर में. अब नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम लॉजिक बम. हम अपने सिस्टम को लॉजिक बम से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये हम अपने सिस्टम को इससे कम्प्लीटली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लॉजिक बम को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं उस पहले कि वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट हो. किसके थ्रू? अपने कंप्यूटर फाइल्स को स्कैन कर कर और अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट कर कर. फॉर बेस्ट रिजल्ट हमें स्क्रीनिंग फंक्शन ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम को एक्टिवेट करना चाहिए जब भी हम ऑनलाइन हों. फ्रोजन हॉर्स एक बहुत ही फेमस मैलिशियस सॉफ्टवेयर है. इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें जिससे उसका नाम पड़ा है फ्रोजन हॉर्स. जो ट्रॉय थे उनकी एक एम्पायर था जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी वॉल थी, जिसमें ग्रीक करीब 10 साल से एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो एंट्री नहीं कर पा रहे थे. तो उन्होंने एक प्लान किया, एक चतुराई करी कि उन्होंने एक लकड़ी का बहुत बड़ा इनॉर्मस हॉर्स बनाया और उनको ट्रॉय के एम्पायर में एज अ गिफ्ट भेजा. और जिसके अंदर सारे उनके सोल्जर्स थे, जैसे ही रहा तो ये सारे सोल्जर्स उसके बाहर आए और उन्होंने ट्रॉय के ऊपर अटैक कर दिया. जब से इसका नाम फ्रोजन हॉर्स पड़ा. इसका एग्जाम्पल है किसी के भी पासवर्ड को ग्रैब करना जिसमें वो किसी भी पर्सन से उसका ऑथेंटिक यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है. वो जब तक वो यूज़र ना दे दे जब तक वो स्क्रीन पे वैसे की वैसे दिखता है, वो जब इंफॉर्मेशन गेन कर लेता है तो पासवर्ड ग्रैबर उसके इंफॉर्मेशन को स्नेचेस कर लेता है और उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर लेता है. वॉट इज ट्रैप डोर? ट्रैप डोर एक सीक्रेट एंट्री होती है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब सारे दरवाजे बंद होते हैं खिड़की से एंट्री लेते हैं, इसी तरह ट्रैप डोर होता है जिसमें पर्सन कंप्यूटर सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर या अनदर वे की तरह एंट्री लेता है उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करे बिना. ये डिफ़िकल्ट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल करना ट्रैप डोर की सिक्योरिटी, क्योंकि जो मेनली इंजीनियर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि ट्रैप डोर जैसी मैलिशियस कोड को रोकने के लिए.